स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्लास 10th एपी वीडियो नंबर 2 है। देखिए बड़ा डिसअर्मिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी, इसका अर्थ है हमें एक एपी का 10th टर्म चाहिए, इसका मतलब 10वां पद। तो बेटा क्या क्या गिवेन है आपको बताया गया 9.1 और 9.2 में। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो ए मेरा कितना है? 4 है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। देखो 1 मेरा क्या होगा? ए, ए हो गया मेरा 1। डी मेरा क्या हो जाएगा? डी जो कॉमन डिफरेंस होती है, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत है बेटा। डी कितना है बेटा? 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब दे रखा है 10th टर्म, इट मींस n इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, ये तीनों का जो वैल्यू है 1, 3 और 10 एक ही जगह पर आप लगाओ। ये तो हो गया n-1 × d, ये फॉर्मूला an बराबर में a+n-1 × d। बस एक जगह पर 1 लगाना है, n की जगह पर 10 लगाना है, d की जगह पर आपको 3 लगाना है, बस सॉल्व करना है। तो आपका हो गया पहला। तो उसी प्रकार की ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस जिसको सब्सट्रैक्ट करना आता है मल्टीप्लाई वो कर लेगा। देखो आप कैसे, इसमें इस एपी में ए 1 हो गया फर्स्ट टर्म, डी आपको 3 हो गया। तो फॉर्मूला था ए एन बराबर में a+n-1 × d, फॉर्मूला है 9 में से 3 गुना करोगे 27+1 28। देखो समझ में आ गया बेटा, ए की जगह पर 1 पुट करना है, एन की जगह पर 10 पुट करना है, डी की जगह पर 3 पुट करना है। सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 18 टर्म। तो पहले ए हो गया रूट 2, ये रूट 2 पहला वाला टर्म ए होता है। डी हो गया 3√2 − √2, ये हो गया 2√2। तो a+n-1 × d, ये हो गया √2+17 × 2√2, 17 × 2 = 34 और ये 35√2, क्योंकि √2√2 सेम है तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, 35√2। नेक्स्ट में आ जाओ, n टर्म। n टर्म मतलब अभी n को नहीं दे रखा है, n टर्म ऑफ द एपी। ए दे रखा है 13, बिल्कुल बेटा डी हो गया 8 में से 13 को माइनस करोगे -5, 8 में से -13 करोगे, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो माइनस में आएगा। तो a+n-1 × d, तो जहां n है वहां n ही रहने देना, क्यों n का वैल्यू नहीं दे रखा है। प्लस माइनस 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 प्लस, तो हो गया आपका 18 − 5n। उसके बाद 10 टर्म ऑफ द एपी। तो a मेरा हो गया -40, d मेरा कितना होगा ना -15, -40, ये आपका हो गया -40। ठीक है, तो d हो गया कितना? d यहाँ डायरेक्ट दे दिया, मैं आपको करके बताता हूँ, -15 और इसमें से हमें a2 - a1, तो a1 मेरा कितना है? -40। तो आप देखो, ये तो आपको पता है, पहले मैंने कराया 9.1 9.2 में। तो आपका हो जाएगा -15 + 40, ये आपका हो जाएगा -15 + 40। कितना होगा बेटा -15 + 40 में? तो आपका होगा 25, क्योंकि बड़ा वाला जो है पॉजिटिव में है, प्लस में है, इसे आपका हो जाएगा 25। तो आपका डी हो गया आपका 25, ए हो गया मेरा -40। एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d, ये आपका -40 + 9 × 25, ये आपका 225, माइनस करोगे वो आपका प्लस में आएगा, ये ध्यान देना। एट टर्म ऑफ द एपी, एट टर्म, ए हो गया 117 और डी हो गया आपका, डी कितना हो गया? -13 हो गया। तो आप a8 लगाओ, a+n-1 × d, उससे आपको निकले, इससे इसको माइनस करो, 91 है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव में है तो आपको ये पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? कुछ नहीं है, a दे रखा है कितना 117, d कितना है 104 में से 117 माइनस करोगे तो -13। उसके बाद n दे रखा है 8, n यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ n = 8, n टर्म का मतलब हो गया, n हो गया आपका 8। तो आप क्या करोगे, a8 निकालना है, an निकालना है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे चलो। ऐसे 6th भी ऐसे, a हो गया फर्स्ट टर्म 10 हो गया और d हो गया 10.5, -10 हो गया 0.5 हो गया और n हो गया मेरा 11, तो a+n-1 × d। चलिए
ऐसे सातवां भी ऐसी है, ए हो गया 3/4, डी हो गया 5/4 माइनस 3/4, वो 2/4, तो 2/4 मतलब 1/2 काट के, तो ये आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन कितना हो गया 9 है, एन कितना हो गया 9, तो आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपको लगाना है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब सेकंड में आते हैं, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 248, क्या दे रखा है हमें, ए गिवेन है और हमें डी गिवेन है, और जो लास्ट होता है उसको आप ए एन बोल सकते हो या एल बोल सकते हो। चलो मैंने ए एन, यहाँ ए एन आपको गिवेन है, लास्ट टर्म कभी भी एन नहीं होता बल्कि वो क्या होती है, ए एन होता है, या उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, एल लास्ट टर्म, तो यहाँ हो गया एन ए एन। तो आपको क्या करना है ना, फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और जहाँ ए एन है ए एन की जगह पर 248 ए के जगह पर लगा दो और डी के जगह पर लगा दो, तो ऑटोमेटिक आपको एन सॉल्व हो जाएगा। 5 × n 5n, 1 × 5 × 1 5, तो इसको आप सॉल्व करना है, 3 और -5 -2, 5n को 5n, तो ये जो माइनस था उधर प्लस हो जाएगा, 250, एन बराबर में हो गया 50, इसका अर्थ है कितने टर्म है, 50 टर्म है। टू टू में आ जाओ, व्हिच टर्म, बिल्कुल सेम सवाल है, ए आपको गिवेन है, ए आपको दे रखा है 84 दे रखा है, और डी दे रखा है -4, ए एन दे रखा है 0, तो आप उसको एन की जगह पर 0 पुट करके सॉल्व करो। सॉल्व तो बड़ा आप कर लोगे, देखो -4 × n -4n − 4 × -1 +4 84, और 4 मिलकर 88, -4n, ये माइनस था उधर प्लस, 4n हो गया 88, ए एन हो गया आपका 22। व्हिच टर्म ऑफ द एपी, इतना तो ए हो गया आपका 4, ए हो गया 4, डी हो गया आपका 5, और ए एन हो गया आपका 254 ए एन, तो आप उसको सॉल्व करना है। 5 के साथ एन 5n प्लस माइनस माइनस 5, ये 4 में से माइनस 5 करोगे -1, ये -1 राइट में जाएगा, आपको ऐड हो जाएगा 255, 5n हो गया, तो n बराबर में ये 5 × 2 में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल वही सवाल है इसमें, फुजी टर्म पूछा है, टर्म पूछेगा तो मतलब समझ में आना चाहिए कि आपको n पूछा है, n पूछा है, और ये मुझे a दे रखा है 21, मेरा d दे रखा है 21, और an दे रखा है मेरा 420, an कितना दे रखा है 420, फिर इसको सॉल्व करना है आपको। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ए इन दे रखा है नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव का मतलब होता है, तो आप देखो क्या है, ए मुझे दे रखा है 121, डी दे रखा है -4, डी दे क्या रखा है निकालना है, 117 -121, ये हो गया -4, तो आपको क्या करना है, ए इन दे रखा है नेगेटिव, चलिए ए इन का फॉर्मूला पुट करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब हो गया 125 -4n, तो अभी क्या करोगे, ना नेगेटिव है तो 4n शुड बी ए नंबर ग्रेटर देन 125, या तो उसको पहले आप 0 ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप उस वैसे लोगे। देखो और एक तरीका है, नेगेटिव दे रखा है तो मैं क्या कर दिया ना, एन सपोज मैंने मान लिया एन इक्वल टू 0, देखो एन इक्वल टू मैंने ले लिया 0, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 125, मैं बता दूँ 125 -4n, ये थोड़ा घुमा के दे रखा है तो ऐसे नहीं करना, 125 -4n इक्वल टू आपका 0 है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना 0 हो जाएगा, बिल्कुल, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 125, जो कि 125 क्यों हुआ बेटा ना, इधर माइनस, अगर इधर माइनस रखूंगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था उधर माइनस, तो माइनस माइनस सबका कटेज नहीं जाएगा, कट जाएगा, फिर एन बेटा कितना आ गया ना, एन हो गया ना 125, 125 डिवाइडेड बाय 4, 125 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब कितना हो गया, 4 × 3 = 12, देखो बेटा, ओके 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, फिर बचेगा 1/4, क्लियर हुआ, इसका अर्थ क्या है ना, जो एन है 31, 31 से थोड़ा, 31 31 जीरो नहीं हो रहा है,
31 से थोड़ी आगे जो है वो जीरो हो रहा है। इसका अर्थ होता है जो 32 टर्म हमारा होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका आंसर दे रखा है आपका 32। ऐसे क्यों दे रखा है बेटा, आप देख रहे हो ना, 31 से ये जो टर्म है, टर्म डी तो माइनस में है, तो 31 टर्म आपका यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, उसके बाद आपका जीरो आ रहा है, ये क्या है वो नहीं पता मुझे, फिर जीरो आ रहा है, तो उसके बाद जो टर्म होगा 32 टर्म होगा, 30 तो होगा नहीं, तो ये जो टर्म आपका हो जाएगा ये आपका 32 टर्म है। क्यों ना, 31 और 32 के बीच में जीरो आ रहा है, तो नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, ये आपका 32 होगा, तो ये आपको डायरेक्ट लिख सकते हो। या तो नंबर दे रखा है, देखो 4n शुड बी ए नंबर ग्रेटर देन 125, 4n जो है वो आपका 125 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो 125 से जो 4 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा वो क्या है ना, 128 है, क्योंकि 4n इक्वल टू 125, n इक्वल टू, ये देखो आपको क्या पॉइंट डेसिमल में आएगा, कभी n, n कभी तो पॉइंट में आएगा नहीं। मैं कहूंगा बेटा आपकी क्लास में बच्चे कितने बताऊं, आप बोलोगे 30.5 बच्चे, 31.5 बच्चे, ऐसे होता है, या बोलोगे 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, 31 स्टूडेंट है, हमेशा आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा आपका, एक होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी डेसिमल में नहीं आएगा। इसीलिए 125 के बाद का नंबर कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, 128 है, और 4 से डिवाइड करो तो आपका 32 आएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो 31 से जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने जीरो लिया था, तो जीरो आपका आ रहा है 31 से आगे, 31 और 32 के बीच में आ रहा है, तो 32 नंबर आपका नेगेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे को समझ में आ गया होगा। या तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 125 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ऐसे कौन सा आगे वाला नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, वो 128 है, तो उसमें मुझे यहाँ पे भी 128 कहाँ से आया, 4 से डिवाइड करके मैंने लिया, ठीक है बेटा, जो बच गया ना ये कौन सी, एक बच गया, या तो माइनस करूँ, माइनस करूँगा तो 31 टर्म तो पॉजिटिव में आया, अगर पूछता कौन सी टर्म तक पॉजिटिव है, 31 टर्म तक पॉजिटिव है, कौन सी टर्म नेगेटिव आएगा, उसके नेक्स्ट वाला नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, अच्छा क्या ये 68 इसके अंदर है बेटा, देखो अगर n पूरा कंप्लीट आ जाएगा तो बेटा हो जाए, क्योंकि 64 को देखो, 64 को जब आप a हो गया मेरा कितना है 7 हो गया, d मेरा कितना है 10 में से 7 गया 3 हो गया, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप सॉल्व करोगे, 3n हो गया 64, n हो गया 64 बाय 3, ये आपका नॉन डिविजिबल बाय 3, या वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो एपी में नहीं है, वो एपी में आपका नहीं है। आगे क्या ये टर्म एपी में है, तो ए मेरा हो गया 3, डी हो गया 8 में से 3 गया 5, ए हो गया मेरा 3, डी हो गया मेरा 5, और ए एन हो गया मेरा कितना है ना, 302। तो आप क्या करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे, देखो क्या वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये देखो 5n इक्वल टू 304, एन इज एन को डिवाइड करूंगा क्या होगा ना, ऐसे आ जाएगा, 5 को डिवाइड करूंगा 530 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा ना, 4 बचेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बेटा क्या है, पूरा कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है, पूरा कट जाता, नॉन डिविजिबल है, तो इसलिए ये आपका एपी में नहीं है। 3 भी ऐसी है बेटा, क्या -150 इसमें एक टर्म है, तो पता क्या करना है, ये एन के जगह पर लगा देना है, ए के जगह पर 11 लगाना है, 8 - 11 हो गया -3, आपको डी के जगह पर लगानी है। आप उसको सॉल्व करोगे, लास्ट सॉल्व करते हुए देखोगे जो नंबर आया क्या वो 3 से कट रहा है, क्या 164 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, नहीं है, अगर नहीं कटेगा तो ये भी एपी में नहीं होगा, ठीक है बेटा, पूरा पूरा कटना चाहिए। हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, उस पहला क्वेश्चन है, ए हो गया मेरा 7 है, डी हो गया 10 में से 7 चला गया वो आपका 3 है, और ए एन हो गया मेरा कितना है 43 है, तो आपको बताना क्या है, एन बताना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप करते थे बिल्कुल ऐसे करना, इसमें बस थोड़ा सा आपको माइनस प्लस का दिक्कत होगा, वो आपको जैसे ये क्वेश्चन है जिसको फ्रैक्शन में माइनस नहीं आता वो कर नहीं पाएगा, जैसे इसमें थोड़ा आपको डी निकालने के लिए उनको दिक्कत होगा, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा साथ सही से करना, अदरवाइज कुछ ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं है। ए दे रखा है, ए फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट वो मेरा डी हो गया, ए एन मेरा 43 हो गया, तो ए एन बार ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, तो उसमें ए वाला फॉर्मूला 43 को यहाँ लगा दिया, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ वाला लगा दिया, फिर सॉल्व किया जाएगा बेटा।
सेकंड भी ऐसे ए हो गया मेरा माइनस वन, डी हो गया मेरा सेकंड में से वन को माइनस करोगे वन बाई सिक्स, ए एन का फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपको पता लग जाएगा एन कितना है। तीसरे में भी वही है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, तो आप एस एन एन निकालोगे, ठीक है। और चौथे में वो डी निकालना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप प्रयास करो, क्या है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 दुनी 30, 15 2 जा 30 और 1, 31/2 माइनस 18, 31/2 ये मिक्स फ्रैक्शन था, उसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर दिया, माइनस में 18 दे रखा है, तो यहाँ पे 18/1 वो डायरेक्ट दे देता है बेटा, इसमें आपको सॉल्व करके तो देखना पड़ेगा ना, 18/1 कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, तो मेरा एलसीएम कितना हो गया ना, एलसीएम मेरा 2 हो गया, तो 2 है तो मुझे न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और 2 को 1 से मैं डिवाइड करूंगा 2 आएगा, तो 18 और 2 हो गया आपका 36, तो ये आपका हो गया 36, तो ये आपका हो जाएगा -5/2, ये आपको हो गया -5/2। ए पता लग गया, डी पता लग गया, ए एन पता लग गया, तो आप फॉर्मूला लगाओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपको सॉल्व हो जाएगा, एन का वैल्यू आपको आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बेटा ना, इन दोनों को ये जो प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं, आप नहीं कर पाएंगे इसको, देखो तो क्या है, आप देखो बेटा एक बार ना, ये 5n/2, या तो सबका एलसीएम ले लो, इसमें सबका एलसीएम ले लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, 2 ले लो, 2 × 18 36, क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता, वो जाके डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, माइनस में 5n हो गया और प्लस में 5 हो गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, -47 इक्वल टू -47। फिर बात करूंगा मैं कौन सी ना, आपका -5n इक्वल टू कितना होगा, देखिए 36 और 5 41 हो गया, तो -5n इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये डिवाइड था उतना मल्टीप्लाई हो गया, 94 हो गया -94, और ये दोनों प्लस में था, ये प्लस ये भी प्लस, 36 और 5 ये प्लस में उधर आगे माइनस हो जाएंगे 41, दो स्टेप में करना है, मैं डायरेक्ट करा दिया आपको, तो आपको 5n इक्वल टू कितना, माइनस इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो आपको -5n इक्वल टू, माइनस में 135, 100 माइनस माइनस कट जाएगा, n इक्वल हो गया 27। आया बेटा समझ में, तो आप ऐसे उसको कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया, 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट रूम ऑफ एन एपी इज 5, इसका फर्स्ट रूम का मतलब बताए, ए दे दिया आपको 5 दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया आपको कितना, 3 दे दिया, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, डी बोलते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जो है सार्वंतर बोलते हैं, इसको डी दे दिया, डी कितना है 3 है, और लास्ट रूम आपको दे रखा है कितनी है ना 80, 80, तो लास्ट रूम को क्या बोलते हैं, दोनों चीज बोलते हैं एल और ए एन, तो यहाँ पे एल का हमें आवश्यकता नहीं है, तो ए एन, ए एन वो दे दिया कितना है ना 80। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन निकालना है, बिल्कुल यही क्वेश्चन तो आप करते हुए आ रहे हो, जो थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा बेटा उसको मैं बता दूंगा, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर आप करोगे तो उसको आप खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको बार बार इसको आंसर देख के आप करने की कोशिश मत कीजिए। ए की बहन है, डी की बहन है, ए एन दे रखा है, तो एन आपको चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है ना, ए एन बराबर में ये देखो क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है 80, और फॉर्मूला क्या है ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म इज, अब इसमें डायरेक्ट एन आप सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है, तो आप क्या करोगे इसी फॉर्मूला के ऊपर पुट कर दो, जो पहले आप करते थे उसी तरफ से करना, ऐसे आप अगर आपको आता है करना डायरेक्ट पुट करना तो वो ठीक है, अदरवाइज ऐसे आपको नहीं करना है, ए एन माइनस ए बाई डी हो गए प्लस वन, आप डायरेक्ट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके ऊपर पुट करो, आराम से आपको निकल जाएगा जो पहले से ही। चलिए 6 में आ जाओ, 6 टर्म एंड 7 टर्म एपी, अच्छा 6 टर्म दे रखा है 19, आपको 6 टर्म दे रखा है 19,
सिक्स टर्म 19 का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन, ए हमेशा एक कम आएगा, तो ए प्लस 5d हो गया 19, ये मेरा क्वेश्चन वन हो गया, और ए प्लस 16d हो गया मेरा 41, क्योंकि 17 टर्म के लिए मैं ए प्लस 16d, 100 के लिए ए प्लस 99d, 20 के लिए ए प्लस 19d, क्यों? फॉर्मूला होता है एन माइनस वन इंटू डी, जो देगा एन उसका एक कम लिखना। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना, आपने फर्स्ट टर्म में आप पढ़े हो, सॉल्व करना, ठीक है। टू वेरिएबल, तो चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़े हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो प्रूफ आप सॉल्व करो, तो वही है इक्वेशन, सब स्टार्ट किया मैंने 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, ये थोड़ा सा ऐसे दे रखा है, डायरेक्ट दे दिया। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ बता दूं, आप आगे कर लेना। देखो ए प्लस ए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि पेंसिल में लिखना पड़ रहा है, ए प्लस 16d, ए प्लस 16d इक्वल टू कितना दे रखा है, 16d इक्वल टू कितना है मेरे पास, 41 है, इसमें बड़ा कंप्यूटर में लिखने के लिए मेरे पास है नहीं, तो सो पेंसिल में लिख रहा हूँ मैं इसमें। फिर ए प्लस 5d, दूसरा इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 5d, क्योंकि इक्वेशन वन को मैं इक्वेशन टू में माइनस कर रहा हूँ, तो ए प्लस 5d इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू दे रखा है 19। सबस्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक एक चीज समझ लो, फिर सारे क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व के लिए आएगा कर लेना। तो आप मैंने क्या करा, ना माइनस करूंगा, तो ये मेरा प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले साइन को नहीं देखना, केवल नीचे वाले साइन को देखना है। ऊपर वाला प्लस था, नीचे आके वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ना ये मेरा था प्लस में था, ये आपको क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए और ए कट जाएगा, दोनों इक्वल थे, दोनों कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, तो 16 में से 5 गया, कितना हो गया बेटा 11d, वो भी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 16 जो है पॉजिटिव में है, तो 11d इक्वल टू कितना हो गया बेटा ना 22, ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 41 जो है मेरा प्लस में। तो ये आपको कैसे आया पता लग गया, तो ये आपको डायरेक्ट दे दिया, तो आप कर सकते हो ऐसे। तो d हो गया 2, फिर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो सब्सटीट्यूट करना है किसकी वैल्यू, डी का वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन वन में। तो मुझे ए भी मिल गया कितना 9 है, और ए 40 निकालना है, ए प्लस 39d, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो पुट करूंगा वो आपका होगा 87। कितना हो गया आपका 87 हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इफ 9 टर्म ऑफ एन एफ इज 0, 9 टर्म, तो ए एन हो गया आपका 0, ठीक है। प्रूफ दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, तो प्रूफ क्या करना है, 29th टर्म, तो ए 29 इक्वल टू डबल, डबल मतलब 2 इंटू, हमें ये प्रूफ करना है, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 19 टर्म, 19 टर्म मतलब हो गया ए 19, क्या हो गया ए 19, समझ में आ गया जी। तो ए 29 हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 9 टर्म के लिए ए प्लस 8d इक्वल टू 0, और ए हो गया माइनस 8d, ठीक है। तो आपको लगाना, लेफ्ट हैंड साइड लगाना, ये तो हमें प्रूव करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लगा दो, ए प्लस 29d मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब ए प्लस 28d। तो जब डी ए का वैल्यू आप लगा दिए माइनस, ये जो माइनस 8d, तो ए के जगह पर आपको क्या पुट करना है, ए के जगह पर आपको पुट करना है बेटा माइनस 8d, तो माइनस 8d प्लस 28d ये आपका हो गया 20d। और राइट हैंड साइड में देखो क्या दे रखा है ना, 2 इंटू ए 19, तो पहले ए 19 मतलब ए प्लस 18d, सो 2 इंटू ये ए हो गया माइनस 8d प्लस 18d, ये हो गया 10d, 10d इंटू 2 ये हो गया 20d। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 20d है, राइट हैंड साइड में भी 20d है, तो आप लिख सकते हो यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस इट्स 29th टर्म इज डबल इट्स 19th टर्म, ठीक है बेटा, समझ में आया आपके, बिल्कुल। इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म, इसका मतलब ए 10 का 10 टाइम कर दो, और 15 टाइम्स द 15th टर्म, 15th टर्म को 15 गुना कर दो 15 टाइम्स, सो दैट, पहले इसको सॉल्व करो आप, फिर ये बात करेंगे ये क्या है, 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ना ए जो 25 है वो आपका 0 है, वो हमें प्रूफ करना है, वो हमें गिवेन नहीं दे रखा है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमें गिवेन क्या दे रखा है, जो पहले में जो मैंने अंडरलाइन कराया वो, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
एन मतलब कितना है, 10 है, ऐसा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, एन कितना है 15 है। दोनों को आप क्या करो ना, इसको सॉल्व करो, ए प्लस 9D, तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, या तो इसमें कहोगे ये 3, इसमें 2 कैसे आया ना, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, इधर 2 होगा, 5 से डिवाइड करूंगा, इसमें 3 हुआ, 15 नहीं लिया क्योंकि मैं डिवाइड कर सकता हूँ। अगर इसमें मैंने 5 डिवाइड करूंगा तो कितना होगा ना, 2 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सेम नंबर, तो मैं कर सकता हूँ, इसमें हो जाएगा आपका 5 से करूंगा दोनों तरफ से, ये हो गया 3, तो 2 इंटू 8 2A, फिर 2 इंटू 9 या 18D, ऐसे 3A प्लस में 42D, इसको सॉल्व किया मैंने, ए इक्वल टू कितना आ गया, -24D। मैं ए को एक तरफ ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, डी को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपका फिर ए 25 निकालो कितना होगा, ए प्लस 24D, ना ए का वैल्यू पता लग गया, -24D प्लस 24D, ये 24D कहाँ से आया ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 25 में से 1 चला जाएगा 24, तो आपका कितना हो गया, ये आपका 0 हो गया। सो ए 25 कितना हुआ, 0 हुआ। यहाँ अगर आपको दिक्कत है सॉल्व करने के लिए, तो आप एक तरफ, मैं एक स्टेप आपको बता दूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा, 2A है, 2A इम्प्लाइज करोगे तो 2A दे देना, और इधर जो वो 3A था वो क्या हो जाएगा, उधर उधर राइट में लेफ्ट में चला जाएगा, वो आपका हो गया 3A। और राइट में क्या बचा है, 42D उधर है राइट हैंड साइड में, और ये जो 18D है वो उधर चल जाके माइनस हो जाएगा। बस तो जो आपका आया उसको सॉल्व करना, 10 18 टर्म ऑफ एन APR 41, मतलब 10 टर्म हो गया 41 और 18 टर्म हो गया आपका 73, तो 26 टर्म बताओ क्या है ना। इस दोनों को सॉल्व करोगे, जैसे मैंने इक्वेशन बना के, उसमें ए मिलेगा डी मिलेगा, पहले डी मिल जाएगा और डी का वैल्यू के समान में पुट करोगे, ए भी मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी उसमें पुट कर देना, जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। इन ए सर्टेन एपी द 24th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म, प्रूव दैट द 72 टर्म इज ट्वाइस इज द, ये तो ये गिवेन है, आपको कहाँ से कहाँ तक गिवेन है ना, यहाँ से यहाँ तक गिवेन दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। तो आपको जो गिवेन दे रखा है उसको लिखो, ए 24 इक्वल टू ए 10 की 2 टाइम्स है, तो आप और 2 प्रूव है, ये तो बाद में देखेंगे, पहले जो दे रखा है वो करें। चलिए देखो ना, ए 24 इक्वल टू ए प्लस 23D, और इधर क्या हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इधर भी 2 गुना कर दिया, ये थोड़ा सा आप उसको वेट करना, डायरेक्ट 2 को गुना मत करना, 2 इंटू ए प्लस 10D दे रखा है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस 9D, फिर उसको गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको आ जाएगा ए प्लस 9D। देखो तो अब वो क्या आ जाएगा ना, 2A प्लस में 18D आ जाएगा, और इधर इधर था ए और इधर हो गया 2A, तो माइनस करोगे ए आ जाएगा, तो ए बराबर में ये 23D, इधर जो 18D था प्लस में वो माइनस हो गया, तो ए इक्वल टू 5D। यहाँ पे अगर कुछ नहीं दे रखा है, आप ए को सॉल्व कर दो या तो डी को सॉल्व कर दो और उसमें पुट कर दो, फिर लेफ्ट हैंड साइड हो गया 76D और राइट हैंड साइड हो गया 76D, तो आप देखो इसका अर्थ है कि ए जो 72 है वो ए 34 के 2 टाइम्स है, डबल है, तो वही तुम्हें प्रूव करने के लिए दे रखा है, वो आपको आ गया। दोबारा मैं बताया, ये ए 10 की जगह पर ए प्लस 9D लगाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए 2A, 2 इंटू 9D 18D, और ए को एक तरफ ले जाओ, डी को एक तरफ ले जाओ, फिर उसको सॉल्व करो, और फिर जो प्रूव करने के लिए दे रखा है ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, फिर राइट हैंड साइड में पुट करो, दोनों इक्वल है तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहा है। द इफ एम प्लस 1th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द एन प्लस 1th टर्म, देन प्रूव दैट 3m+1 टर्म इज ट्वाइस m+n+1 टर्म। तो क्या गिवेन दे रखा है ना, m+1 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है n+1 टर्म, तो आपको वो लिखा हुआ है ए m+1, ये थोड़ा सा ये खिच पिच हो गया, इसको ऐसे अलग लिखना है, ए m+1 इक्वल टू क्या है ना, 2 इंटू ए एन प्लस 1, ये टर्म है, m+1 क्या है टर्म है, n+1 क्या है टर्म है, तो प्रूफ जो करेंगे वो तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले गिवेन वाला ले लेते हैं,
ना ए एम प्लस वन टर्म इक्वल टू टू इंटू, ये टू के बाद ब्रैकेट दे दोगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, टू इंटू ए एन प्लस वन टर्म, ज्यादा खिचपिच नहीं करना। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ एन क्या है एम प्लस वन है, यहाँ एन क्या है एन प्लस वन है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू था तो इधर भी टू लगा दो। तो सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड, तो ए प्लस एम डी बचेगा, राइट हैंड साइड टू ए प्लस टू एम डी बचेगा, अभी टू ए को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे माइनस होगा तो माइनस ए बचेगा, और ये एम डी प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। तो अगर ए इक्वल टू, तो ये जो दोनों प्लस ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो गया ना, ये आपका हो गया ए की जगह पर, अब क्या लगाना है एम डी माइनस टू एन डी, और ये आपका वन वन दोनों कट जाएगा, ये माइनस वन और ये प्लस वन चला जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना थ्री एम डी। तो अगर आप इसमें सब कॉमन ले लोगे इन तीनों में, ये देखो थ्री एम डी और एम डी, फोर एम डी और माइनस टू डी कॉमन ले लो टू डी, तो ये बचेगा टू एम माइनस में एन। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, दोबारा बताया मैंने ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मेरा कितना है, एन मेरा थ्री एम प्लस वन, नीचे जो दे रखा है उसको एन मानते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ए को ए रहने दिया और ए की जगह पर मैंने लगा दिया, कौन सी वैल्यू लगा दिया एम डी माइनस टू एन डी, ये देखो एम डी माइनस टू एन डी, और बीच में कितना बचा है थ्री एम डी, थ्री एम डी। तो जब आप सॉल्व करोगे थ्री एम डी और एम डी फोर एम डी माइनस में टू एन डी, तो वही भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में आर एच एस देखते हैं, ए एम प्लस एन प्लस वन, ये मेरा एन दे रखा है, एन कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन ये यहाँ से यहाँ तक एन है, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक एन है, माइनस वन इंटू डी, अरे एन यहाँ पे एम प्लस वन टर्म दे रखा है, तो वो भी तो एन आएगा ना, मैं एन बोल रहा हूँ लेकिन एन आपको समझ में आ रहा है कौन सा है, तो एन माइनस वन इंटू डी, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा टू डी इंटू टू एम माइनस एन। तो बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सॉल्व हो गया, तो जो क्वेश्चन दे रखा है मैं जो आपको प्रूव करने के लिए दे रखा है आपको प्रूव हो गया। चलिए 12 एन टर्म निकालना है एपी का इस सेम, अच्छा दोनों एपी दे रखा है, इसकी एन टर्म इक्वल है, तो बेटा पहला का आप एन टर्म निकाल लो, ए दे रखा है डी दे रखा है और एन निकालना है, दूसरे का एन टर्म निकाल दो, फिर दोनों को इक्वल में कर दो। देखो ये एन इक्वल टू एन दोनों, ये आपका ए और डी, तो ए एन इसका पहले इसका फाइंड आउट कर दो, राइट हैंड साइड इसका फाइंड आउट कर दो, दोनों को इक्वल करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, थोड़ा सा देखो आसान है, लेकिन फर्स्ट का ए एन निकाल दो और अलग अलग निकाल सकते हो, एक तरफ से इसका ए एन निकाल दो, इसको कैपिटल ए और एन मान लेना, ठीक है, और इसको स्मॉल ए एन मान लेना, दोनों इक्वल कर देना आ जाएगा। 13 क्या दे रखा है ना, 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ना आपको दे रखा है ना, ए दे रखा गिवेन है, बी आपको कितना है गिवेन है, और एन दे रखा है कितना 201। तो आप एक चीज देख लो, दो तरीका है मैं आपको बता देता हूं, तो दे रखा है पहले कौन सी ना, यू हैव टू फाइंड 12th टर्म लास्ट ऑफ द मीन, इधर 12th टर्म निकालनी है, कौन सी ना 12th टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब यहाँ एन निकाल दिया, ए तो आपको पता लग गया, डी आपको पता लग गया टू, एन पता लग गया 201, एन निकालोगे एन पता लग गया 100, 12th टर्म निकालने का मतलब होती है 100 तो एक टर्म है ना बेटा, तो जितना टर्म पूछेगा उससे एक कम माइनस कर देना लास्ट से, 100 में से 11 चला गया कितना बचेगा 89 टर्म, तो आपको निकाल लेना है ए 89 टर्म आपको निकालना है, ठीक है। ये अगर आपको 20 टर्म पूछता तो माइनस 19 करता, ठीक है, क्योंकि 100 भी तो एक है ना, तो इसीलिए अगर आपको 50 टर्म पूछता तो मुझे 49 माइनस करना पड़ता, अगर 100 पूछता तो 99 माइनस करना पड़ता, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, देखो क्या है ना, अगर लास्ट टर्म से आपको आता है तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कौन सी फॉर्मूला आप लगाओगे, ओहो इतना आगे भाग रहा है, ठीक है, तो लिखोगे ए एन बराबर में, अगर लास्ट टर्म से दे रखा है अंतिम टर्म से दे रखा है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ए एन इक्वल टू एल माइनस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म, माइनस में एन माइनस वन एन
माइनस वन और इनटू में डी, समझो इस चीज को, ये पूरे डायरेक्ट ही निकल जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो आप देखो ये मेरा एल कितना है ना, एल मेरा 201 है। अलग अलग तरीके से सीखो बेटा, कभी किस टर्म में आप परेशान हो जाओगे तो क्या करोगे। माइनस में एन मेरा कितना है, एन तो आपको निकालना, एन नहीं जो गिवेन है, यहाँ एन कितना है जो पूछा है, कितना चाहिए 12 टर्म चाहिए, ये एन 12 ले लेना, वो एन नहीं निकालना, जो एन निकला हुआ है वो नहीं करना, जो जितनी टर्म हमें निकालना है निकालना कितना है 12 माइनस वन इंडू में डी। डी कितना है बेटा आपका, डी आपको दे रखा है यहां पे 2, तो 2, तो आप क्या करना है ना 201 201 माइनस में 12 में से वन जाएगा 11, 11 टू जाए 22, अब 22 को माइनस करो तो कितना आ गया आपका बेटा, 11 में से 2 जाएगा 9, ये 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और ये बचाएगा यहाँ पे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 179। इधर आंसर देखो बेटा कितना है 179। तो बेटा आपको आसानी से आ गया, कोई झंझट नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो दूसरी तरीका क्या था, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकाल दो, नंबर ऑफ टर्म निकाल दो, और नंबर ऑफ टर्म निकाल के जितना टर्म चाहिए उसे एक माइनस करके उतनी टर्म निकाल दो। एक तो ये मेथड है, अदरवाइज आप बिल्कुल प्यार से ये वाला मेथड लगा देना, ये ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इसका मतलब है लास्ट टर्म में से जितना टर्म दे रखा है कम करके इंटू डी कर दोगे, वो आपको आराम से आपको निकल जाएगा। ओके बेटा, तो इसी फॉर्मूला पुट करके आप इन सारे सवाल को जैसे दे रखा है आपका सेकेंड वन और थर्ड वन बड़े प्यार से निकाल सकते हो फ्रॉम द एंड, ठीक है, जिसको कराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 14। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम द फर्स्ट टर्म, अच्छा बहुत बढ़िया, ए फोर इक्वल टू 3 है या 3A1 एक ही बात है। सेवन टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1, तो क्या दे रखा है, सेवन टर्म एक्सीड, सेवन टर्म मतलब ए सेवन इक्वल टू, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ए सेवन जो है वो एक्सीड है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है ना ट्वाइस द थर्ड टर्म मतलब 2 इंटू ए 3 ज्यादा, ठीक है, कितना ज्यादा है ना 1 ज्यादा है, तो मैं उसको इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। बस इसकी पुट कर दूं मैं इसको, कैसे क्या पुट करूं ना, ए सेवन की जगह पर ए प्लस 6D, ए 3 की जगह पर ए प्लस 2D, फिर सॉल्व करके ये पता लगेगा। तो आपका देखो ए 3 इक्वल टू क्या हो गया ना 3 टाइम्स फोर्थ टर्म, ए पी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस 3D, ए प्लस 3D, और ए सेवन हो गया ए प्लस 6D, तो ये आपको क्या करना है ना ए प्लस, पहला ये वाला देखो इक्वेशन वन वाला पहले सॉल्व करो, ये बुलबुलिया दे रखा है, तो आपको इक्वेशन वन को आपको सॉल्व करना है, ये वाला ए प्लस 3D इक्वल टू 3A, तो 3D हो जाएगा आपका 2A, और D आपको निकल जाएगा, या A भी यहाँ सॉल्व कर सकते थे, D हो गया 2A/3। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में आ जाओगे आप, कौन सी में, ये आपका जो दे रखा है ए सेवन इक्वल टू 2A3+1, उसमें आ जाओ, तो उसमें आप क्या करोगे ना जहाँ D का वैल्यू है, ओके, तो ए सेवन जगह पर ए प्लस 6D है, डी के जगह पर आप क्या पुट करोगे 2A/3, समझ में आ गया, तो 3 2 6, तो ये आपको थोड़ा सा डी के जगह पर क्या, ये तो आपको सॉल्व हो गया 2D इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस 1, कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया आपने, सेकंड वाले को सॉल्व किए, और जहां डी दिखेगा यहाँ 2A/3 आपको लगाना है, तो अब क्या आ जाएगा, ए आ गया आपका 1, ए कितना आ गया आपको ये 4A/3 इक्वल माइनस ए इक्वल टू 1, फिर एलसीएम ले जाओ 3, 4A माइनस 3A/3 इक्वल टू 1, A/3 इक्वल टू 1 एंड A हो गया आपका 3, A मिल गया 3, और आपको D भी इधर मिल गया 2A/3, तो फिर D का वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू पुट कर दो, D निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर पूछा है फर्स्ट टर्म 3 है, कमांड फर्स्ट टर्म पूछा है, इसका मतलब A पूछा है, तो 3 हो गया, कमांड डिफरेंस पूछा है वह आपको 2 हो गया, क्योंकि 3 3 2 6। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सेकेंड टर्म एंड द एंड टर्म ऑफ एन एपी हो 6 टर्म इज 12, 8 टर्म इज 22।
फाइंड द सेकेंड टर्म, ठीक है, सिक्स टर्म दे रखा है बेटा। सिक्स टर्म के लिए एक इक्वेशन मिल गया, ए प्लस फाइव डी हो गया 12। दूसरा क्वेश्चन मिल गया, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी मन करे तुम्हारा। उसके बाद बेटा सब्स्टिट्यूट उसको सॉल्व करने बाद ए आ जाएगा, फिर आपको जो दे रखा है ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, वह फाइंड आउट कर लेना। अगर आपको सॉल्व नहीं आता, ऊपर मैंने करा रखा किसी क्वेश्चन में, आप देख लो। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय थ्री, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ये डायरेक्ट दे दिया, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना। टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर कितना होता है, 10 होता है, और टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होता है, 99। 99 के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 99 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, लेकिन 10 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इसमें 3 के टेबल लेते हैं, 10 के बाद जो है वो ले लेना, 3 4 जा 12 बस, फिर 3 5 जा 15, ऐसे ए मिल गया, डी मिल गया, और ये जो 99 होता है वो ए एन होता है। ये क्या होता है, ए एन, या उसको लास्ट टर्म भी कह सकते हो, या वो हो गया ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक एपी में 60 टर्म है, तो एन तो हो गया 60 हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ए दे रखा है आपको 7, और लास्ट टर्म मतलब ए एन और एल, मैंने पहले भी बताया, ये देखो लिखा हुआ है ए एन और एल 125। तो बताओ फाइंड 23 टर्म, तो बेटा दे तो रखा है सभी चीज़ें, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो लगा दो, तो आपका डी मिल गया, डी कितना आ गया 2 आ गया। तो निकालना क्या है, डी पता है, ए पता है, तो ए 32 आप निकाल लोगे बड़े प्यार से। 18 द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, 4 प्लस 8 दे रखा है आपका 24, इक्वेशन 1। 6 और 10 दे रखा है 34, बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, थोड़ा ध्यान देना इसको। तो आपका फोर टर्म, तो ये जो दोनों जो है डायरेक्ट आप उसको वैल्यू पुट कर सकते थे, फोर टर्म के लिए ए प्लस 3D और एट टर्म के लिए ए प्लस 7D, दोनों अगर जोड़ा जाएगा तो क्या होगा ना, 2A प्लस 10D, ये कितना आ जाएगा, देखो बेटा इसमें आ जाएगा 2A, और 7 और 3 कितना होता है 10 है। चाहे आप 2 से डिवाइड करो या मत करो, दे दिया इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। और 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड, कोई सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करते हैं तो अनचेंज रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो उसमें क्या हो गया, 2 से डिवाइड करूंगा, ए प्लस 5D हो जाएगा 12। ऐसे दूसरा क्वेश्चन था ए प्लस 6D, ए प्लस 10D, ए प्लस 6D को ए प्लस 5D लिख सकता हूँ, ए प्लस 10 को मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए प्लस 9D लिख सकता हूँ। तो 2A प्लस 14D इक्वल टू 34, तो 2 से डिवाइड करूंगा, ए प्लस 7D इक्वल टू 17। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को आप सॉल्व कर देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड जो आपको ठीक लगे। तो फिर आप उसको सॉल्व करने बाद क्या करोगे, पता लग जाएगा कि आपका ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, देखो ए दे रखा है आपको 5, और 100 टर्म दे रखा है आपका 100 टर्म, तो 50 टर्म हमें निकालना है, ए 50 हमें निकालना है। तो ए दे रखा है 5, 5 प्लस, तो यहाँ ए प्लस 99 डी हो गया माइनस 292, तो डी फाइंड आउट कर लो, डी हो गया 3। तो ये पुट करना है ए 50, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुट करने पर जो आएगा 152, ठीक है बेटा। फाइंड ए 30 माइनस ए 20, बिल्कुल पहले ए 30 निकाल लो, फिर आपका ए 20 निकालो, फिर सॉल्व करो, या तो दूसरा शॉर्टकट मेथड है, कैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, तो बेटा आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। ए एन माइनस ए के, देखो एक अगर ऐसे बड़ा होती है तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होती है, क्या होती है, एन माइनस वन इन टू डी, इसकी फॉर्मूला हो जाता है एन माइनस वन एन माइनस के, इसका मतलब आपका हो जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इंटू में डी, ये शॉर्टकट तरीका है ये। तो आपका 10 इसका आंसर हो जाएगा 10D, डी फाइंड आउट करो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर ये कौन सी फॉर्मूला है, मैं ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बता देता हूँ, कभी आप ऐसे सिचुएशन में रहो तो आप शॉर्टकट में आपको आंसर देना है, मेंटल मैथ में आपको जाना है, तो आप इतना टाइम आपको लगता नहीं है कि आप सॉल्व करो, पूरा वैल्यू पुट करो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ए एन माइनस ए के बराबर में क्या होता है बेटा फॉर्मूला ना, एन माइनस के इंटू में डी, एन माइनस के और इंटू में डी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है।
तो देखो आपको कैसे दे रखा है, या तो ऐसे कर सकते हो, पहले 30 टर्म निकालो, ए प्लस 29D, वही निकलेगा, वही 10D आएगा लास्ट में देखो, फिर ए 20 निकालो, ए प्लस 19D निकाल दो, ठीक है, फिर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका कितना आ गया, -50 आया। चलो उसमें देखो, इसमें देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा है, -14 माइनस ऑफ -9 इक्वल टू -5, चलो ठीक है, तो कितना हो गया 10D, तो आपका 10 × -5, तो 10 × -5, बटा 10 में से -5 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, -50, कितना हो जाएगा, -50, देखा उसका आंसर -50 आया, बिल्कुल -50 आया। इतनी सारे कलाकारी करोगे, इतनी सारे स्टेप करोगे, उसके बाद -50 है, तो आप डायरेक्ट करने में क्या हो गया, an माइनस ए ए के, हाँ इसमें क्या होना चाहिए, एन इज ग्रेटर देन 2k, ऐसे नहीं है k छोटा हो ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो आपका ये इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, तो एन माइनस के इंटू डी, एन हो गया 30, के हो गया 20, एन माइनस के इंटू डी 10D हो गया, तो डी कितना निकला मेरा, -5 है, तो 10 × -5 बराबर में -50, तो आपको शॉर्टकट में हो जाएगा, तो आप ऐसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, राइट द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के, हाँ बिल्कुल, फॉर द इज दे रखा है, ए एन माइनस ए के, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, फॉर व्हिच 11 टर्म इज 5, 13 टर्म इज 79, विद द एक्सप्रेशन ए एन माइनस ए के, 11 टर्म दे रखा है आपको 5 एंड 13 टर्म दे रखा है 79, तो एन टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये मेरा एन टर्म हो गया, या ए प्लस ND − D, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, के टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस KD − D, ये प्रूव कर रखा है देखो, तो आपको जब दोनों को माइनस करूंगा तो आपको बचेगा क्या है, एन माइनस के इंटू डी, जो मैंने फॉर्मूला प्रीवियस में बताया, एन माइनस के इंटू डी, तो ऐसे 11 टर्म दे रखा है 5, ए प्लस 10D हो जाएगा मेरा 5, उसके बाद मेरा क्या दे रखा है, 13 टर्म 79, ए प्लस 29D मेरा हो गया 79, उसके बाद जैसे मैंने उसको कॉमन डिफरेंस मेरा निकल गया, डी निकल गया, तो पूछा है क्या कॉमन डिफरेंस, तो आपका हो गया 37, ऐसे ए 10 दे रखा है, ए 10, तो ए प्लस 9D, और ए 5 ए प्लस 4D, दोनों को माइनस कर दो, तो आपका बचेगा डी हो गया आपका 40, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका 40, ठीक है, या डायरेक्ट भी लगा सकते थे एन माइनस वन इंटू डी। इफ एन, फाइंड एन, अच्छा बहुत बढ़िया, इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द एन टर्म, तो एन टर्म मतलब क्या है, ए एन दे रखा है, एन ए एन दे रखा है, ए मुझे दे रखा है 50 में से 25 गया, डी दे रखा है, तो बेटा एन निकालना, ये तो आप करके आ ही रहे हो आप लोग, ये डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है, ये देखो कुछ ज्यादा, इफ द एन, फाइंड एन इफ द गिवन वैल्यू एक्स इज द एन टर्म ऑफ द गिवन, एन टर्म, अच्छा तो एन टर्म तो दे रखा है ना बेटा, तो आप एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप लगा सकते हो, तो ये जो दे रखा है एल माइनस ए बाय डी प्लस वन, वो आप ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे ना, ए प्लस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह एन को एल भी कहा जाता है, लास्ट टर्म कहा जाता है, वो भी लगा सकते हो, लेकिन इतनी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे जो लास्ट टर्म है उसको एन बोलते हैं, तो एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक सिंपल सी फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे इस फॉर्मूला के ऊपर आप लगा के आप उसको यूज कर सकते हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया उसी टाइप का है, ये फॉर्मूला लगा के आपको करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है, एन दे रखा है, विद फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म तो ए होता ही होता है, फर्स्ट टर्म को ए दे रखा है, एंड एन टर्म इज एन टर्म, हाउ दैट द सम ऑफ द एम टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या दे रखा है ना, वो जोड़ दे रखा है एम टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एम टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से एम टर्म और लास्ट से एम टर्म का जो जोड़ है वो आपका ए प्लस एल आएगा, उसको प्रूव करना है, दोबारा सुनो क्या है,
किसी एपी में एन टर्म है, ठीक है, और ए कितना है, ए है, तो आपको ए ए दे रखा है, लास्ट टर्म आपको एल दे रखा है, ठीक है। तो शुरू से अगर हम ए एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन मतलब एम टर्म निकालना है, ए एम फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हो गया फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिन से निकालना है, फ्रॉम एंड, ओके, ये एंड से निकालना है, ये एंड से, ध्यान देना। तो बिगिनिंग के लिए मैंने क्या बताया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस एम डी माइनस डी, क्योंकि एन माइनस वन में एन इंटू डी, देखो क्या था इसमें, एक बार डायरेक्ट मैंने कर दिया, ए प्लस एम माइनस वन, एम माइनस वन इंटू में डी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एम इंटू डी एम डी माइनस वन इंटू डी माइनस डी। ऐसे लास्ट टर्म से मैंने बताया था एल माइनस एम माइनस वन इंटू डी, तो एल माइनस, देखो ये लास्ट टर्म से मैंने बताया था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, कोई सर आप एम लिख रहे हो एन बोल रहे हो, बेटा फॉर्मूला है एन टर्म के लिए, लास्ट का एन टर्म, ये लास्ट से निकालने के लिए, तो एम इंटू डी हो गया माइनस एम डी और माइनस माइनस प्लस डी, ये मेरा शुरू का एम टर्म, ये मेरा लास्ट से एम टर्म है, दोनों को मैं ऐड करूंगा क्योंकि इस दोनों का सम दे रखा है, तो ये एम डी प्लस एम डी माइनस एम डी कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, बचा ए प्लस एल, तो वही तो प्रूव करना है, ए प्लस वन नहीं है, एल प्लस एल है, ये एल है, ठीक है। ये जो दे रखा है आप इसको देख सकते हो, लेकिन अगर आपको ठीक लगे इधर से भी आप जो मैंने कराया कर सकते हो, ये आपका बिगिनिंग से, ये आपका शुरू से है, ये आपका एंड से दे रखा है एम टर्म, दोनों को ऐड करो बचेगा ए प्लस एल, वो प्रूफ है। थर्ड टर्म दे रखा है 16, तो बेटा बहुत क्वेश्चन है, 46-47 क्वेश्चन है, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं हिंट्स दे दूंगा, आप कर सकते हो, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप खुद देखना पसंद नहीं करोगे। ए थ्री दे रखा है तो ए प्लस टू डी हो जाएगा 16, ठीक है। फिर सेवन टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12, तो कैसे, सेवन टर्म तो आप ए सेवन, और क्या करना है, फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो ये तो बेटा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ए एन माइनस ए के, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एन माइनस के इंटू डी, सेवन में से फाइव चला गया ना, टू डी बराबर में 12, डी हो गया 6, तो तरीका शॉर्टकट है, अगर टीचर आपको अलाउ करते हैं कि हाँ इस शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हो, बड़े प्यार से बेटा कर सकते हो, और फॉर्मूला तो है, आप फॉर्मूला पहले प्रूव करके दिखा दो फिर पुट कर दो, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ए एन माइनस ए के उसको पहले प्रूव करके दिखा दो, एन माइनस के इंटू डी फिर पुट कर दो, कोई सुनी, और डी का जो वैल्यू है आप क्या करोगे, इक्वेशन वन में पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा ए मिल जाएगा। तो आपको जो पूछा है फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी आप निकाल लो। बट अब आप इतने क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा बहुत आपको कुछ खुद करना पड़ेगा, जो दिक्कत है वो मैं कर दूंगा। हाँ, सेवन टर्म निकालना है, एपी में दे रखा है सेवन टर्म 32, तो ए प्लस 6d 32 हो गया, और 13 टर्म दे रखा है 62, तो ए प्लस 12d 12 है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, दोनों को सॉल्व करना है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो ये 25 भी आपको हो जाएगा। 26 आ जाओ, व्हिच टर्म विल बी इतनी मोर देन 13 टर्म, बुक का भी इस टाइप का क्वेश्चन है। माना जो मेरा एन टर्म है, मैंने मान लिया जो मेरा एन टर्म है वो मेरा 13वां टर्म से कितना ज़्यादा है, ना वो 13 टर्म से कितना ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है। क्वेश्चन दिया, मैंने मान लिया एन टर्म है, तो आपको पता है कि एन माइनस के इंटू डी क्या है, तो आप फॉर्मूला लगा देना एन माइनस के इंटू में डी, उससे जो सवाल दे रखा है कर सकते हो, कोई आपत्ति मुझे नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होती है जो आसानी से बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 84, तो आप मुझे बताओ अगर डी का वैल्यू इसमें पता लग जाएगा, डी का वैल्यू तो पता लग रहा है, 10 में से 3 चला गया 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका n माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 7 12, तो n इक्वल टू क्या होगा, ये 12 प्लस 13 25, तो आंसर मुझे लग रहा है कितनी है, 25 डायरेक्ट आपको हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। 27 टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बुक का क्वेश्चन है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, दोनों है बेटा, देखो मैं दोनों तरफ से बता दूँ, कॉमन डिफरेंस
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैड द सेम कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, इसकी सेम कॉमन डिफरेंस, तो मैंने इसको डी लिख दिया स्मॉल डी, उधर भी आपको स्मॉल डी लिख दिया, कॉमन डिफरेंस सेम है। और चलो इसका मैंने ए को मैंने थोड़ा कैपिटल ए मान लिया और उसका जो ए मैंने स्मॉल ए मान लिया, ठीक है। इसका बेटा ए एन क्या हो जाएगा देखो, और दे रखा है इसकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है, ये बुक का क्वेश्चन है, डिफरेंस ये आता है पेपर में, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 100 टर्म का मतलब क्या होता है ना, ए प्लस, इसके लिए मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लूँ, ये ए प्लस 99 डी हो जाएगा, ए प्लस थोड़ा सा समझो हो जाएगा ए प्लस 99 डी, और मैं अगर राइट साइड में मैं देखूंगा क्या होगा, ना ये आपका हो जाएगा ए प्लस 99 डी, और उसका 100 टर्म और दूसरे का 100 टर्म, क्योंकि डी इक्वल है, ए तो इक्वल नहीं है ना, ए तो इक्वल दे नहीं रखा है। अब दोनों को माइनस करने के लिए बोला है, दोनों को माइनस करने में डिफरेंस 100 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा ए 100, दोनों सेम है, ए एन माइनस ए क्या लगा नहीं सकते, वो तब लगाते हैं जब दोनों अलग अलग हो, ए 100 माइनस में स्मॉल ए का 100, और वो कितना दे रखा है आंसर में, ना हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ना 100। तो आप ये ए 100 की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो, ये ए 100 की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दो, 99D कट जाएगा, तो जो लास्ट का जो इक्वेशन आएगा वो क्या इक्वेशन आएगा देखो, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी दूसरा एपी का जो फर्स्ट टर्म है, इन दोनों के बीच को अगर मैं डिफरेंस कितना है, वो आपका हो गया 100। ये इक्वेशन वन हो गया, ये माइनस वन नहीं है, इक्वेशन वन नहीं है, डॉट 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 कर देना, डॉट 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 कर देना इसको, ठीक है। तो इसको मिटा दूं मैं, ज्यादा खिचपिच हो गया बेटा, इक्वेशन वन हो गया। अब आप क्या करना है, वो दे रखा है उसकी कितनी टर्म की डिफरेंस है, 1000 टर्म, बेटा 1000 के लिए क्या हो जाएगा ना, ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी, फिर माइनस करोगे दोनों को ना, बचेगा ए माइनस ए, उसमें भी बच जाएगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और जो फर्स्ट रो में आपका 100 है उसका भी डिफरेंस आपका 100 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होती है और दोनों टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, कितनी भी टर्म का अगर डिफरेंस पूछेगा तो 100 ही होगा, हजार लाख करोड़ कुछ भी है, क्यों, क्योंकि लास्ट में बचेगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचेगा, और उसका जो वैल्यू 100 आपको दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ऊपर आप देखो ना, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 100, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इतना बड़ा दे दिया रामायण की तरह नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको, देखो थोड़ा सा और आपको क्या करना है मैं बताया दूँ आपको, कहोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ऐसे छोड़ दिए, चलो मैं बता दूँ, ऐसे तो बता दिया फिर भी, देखो ए 1000, थोड़ा सा ये हल्का सा टाइम लगेगा, थोड़ा लिखने में ये इसमें थोड़ा दिक्कत है, ये पेंसिल में इतना बनावट नहीं आता, बच्चे सोचते हैं कैसे लिखा जा रहा है, और माइनस में 8000, बस ये चीज है। अब इसमें अंतर हमें पूछा है, चाहे लाख का भी पूछे, हजार पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप देखो पहला वाला क्वेश्चन में क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस 999 डी हो जाएगा, 900 एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए प्लस 999 डी हो गया, माइनस को माइनस लगा दिया मैंने, तो ए प्लस 999 डी, तो प्लस या तो माइनस हो जाएगा, तो 999 डी क्यों होगा, क्योंकि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और माइनस है तो दोनों माइनस हो गया, ये 999 जो डी है और 999 डी चला गया, तो इसकी जो दोनों को माइनस करेंगे जो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आएगा कैपिटल ए माइनस में स्मॉल ए, ये आया। आपको इसकी वैल्यू मुझे कैसे पता लग गया, इक्वेशन वन में आपको पता है कैपिटल ए और स्मॉल ए का वैल्यू 100 है, तो इसीलिए ए माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, तो ज्यादा क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 100 था इसलिए 100 हुआ, यहाँ हजार है तो हजार होगा, क्यों बेटा, इसमें जो माइनस करने पर आया क्या रिजल्ट क्या आया, ना कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ कितनी है 100 है, तो यहाँ पे भी 100 आएगा, वही वैल्यू यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आ जाओ,
बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है, इसमें पहले का एन निकाल दो, इस सीरीज का एन निकालो, इसका एन निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। ये बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है बेटा। ये देखा पहले का एन निकल गया और दूसरे का एन ऊपर निकला हुआ है, माइनस फोर प्लस सेवन है, दोनों का एन निकाल के क्या करोगे, इक्वल कर देना। ये भी बुक का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीप्लीज ऑफ फोर लाइज बिटवीन 100 टू 10 नहीं होता, पहला नंबर होता है 12 होता है जो कट जाता है 4 से, और 250 क्या 4 से कटता है, कैसे पता करोगे? आप क्या पहाड़े पढ़ते रहोगे पूरे दिन? नहीं। तो 250 को हम क्या करना है, ना 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर 250 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 जा 24, 10, 4 2 जा 8, तो बचेगा कितना है, 2 बचेगा, तो जो बचा है उसको माइनस कर देना, तो 250 माइनस में 2 इक्वल हो गया 248, ये वाला आया। तो ये जो 248 कहाँ से आया पता लग गया? यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया आपको आंसर है, लेकिन आपको 12 तो पता है कि 10 तो कटता नहीं है, 4 का मल्टीप्लीज में 4 की टेबल लेते हैं तो पहला नंबर आएगा 12, लेकिन लास्ट का कैसे पता लग गया ना, लास्ट को आप उसको डिवाइड करो, जो बचा है उसको माइनस कर देना, ठीक है। भी हमें ए दे रखा है, डी दे दिया, एन दे रखा है, एन निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, एन हमें फाइंड आउट करना है। बुक का क्वेश्चन मैंने समझा रखा हूँ, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हो बेटा। देखो हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ये भी बुक का है, ये आपका बुक की क्वेश्चन है, 105, क्योंकि 100 कटता नहीं है, उसके नेक्स्ट वाला होगा 105, लास्ट और में से डिवाइड करोगे ये आएगा, तो ए पता लग गया 105, डी पता लग गया 7, और एन पता लग गया 994, और आपको एन निकालना है। 31 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा ये भी बुक की तरह क्वेश्चन है, तो मैंने मान लिया ओ, तो ए एन जो है, ए और एन जो है उसकी कितनी टर्म से ज़्यादा है, ना 41 टर्म से कितनी ज़्यादा है, ना 41 टर्म से कितना ज़्यादा है, ना 41 ज़्यादा है, या ए एन बराबर में ए 41 प्लस 72, ए एन माइनस ए के एन माइनस के इंटू डी लगा दोगे, वो पहले भी आपने ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपने करे हो। फाइंड द टर्म ऑफ आरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच इज इतनी मोर देन, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप की क्वेश्चन आ रहा है। तो इतनी मोर देन मतलब एन टर्म, आप मान लो उसकी जो एनवा पद है वो क्या है, ना उसकी 36वां टर्म से, इसका मतलब ए 36 प्लस में 39, वो आप कर सकते हो, और ये प्लस गया उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए एन माइनस ए के करके आप इसको कर सकते हैं। फाइंड द एट टर्म ऑफ द एंड ऑफ, एंड के लिए मैंने बताया वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, नहीं तो आपको क्या करना था ना, इसकी टोटल टर्म निकालो, टोटल टर्म निकालने के बाद जितना आएगा उसमें से एट टर्म मत माइनस करो, सेवन टर्म माइनस कर दो, फिर आप उसका उतनी टर्म निकाल लो, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा हुआ एन हो गया 60, और 60 में से सेवन टर्म माइनस हो गया 53 टर्म, और शुरू का 53 टर्म आप फाइंड आउट करो, वो आपको आएगा। अदरवाइज मैंने बताया इससे भी आपको दिक्कत नहीं होगा, फाइंड आउट आप कर सकते हो, एल के जगह पर 184 लगा देना, एन के जगह पर आप 8 लगा देना, और डी के जगह पर आप दोनों में डिफरेंस वो लगा देना। डी का मतलब ये नहीं है कि मतलब एन के जगह पर आप इसको सॉल्व करके एन मत निकालना, टोटल एन के जगह पर क्या लगाना, यही वाला लगाना जितनी टर्म आपको पूछा है, बस इसको आपको ध्यान देना, वो आपको ध्यान देना, ऐसे आपका हो जाएगा। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, 10 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, वही एल माइनस वन इंटू डी, 35, 4 और 8 दे रखा है 24, ये भी क्वेश्चन आपने करे हो, ये आपका ये इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया, ए फोर का मतलब हो गया ए प्लस 3D, ए सेवन हो गया ए प्लस 7D, फिर इक्वेशन बना के दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में आप सॉल्व कीजिए। 36 ये विल बी 120, क्या दे रखा है, विल बी 120 मोर देन 21st टर्म, तो वही चीज करो आप, ए माना वो टर्म हो गया एन, जो ए जो ए एन जो टर्म है उससे कितनी ज़्यादा ज़्यादा है, 120 है, तो ए 21 हो जाएगा, ए 21 प्लस में 120, ए तो आप उसको सॉल्व करना। द 17 टर्म ऑफ एन एफ इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स एट टर्म, इसका मतलब ए जो 17 है, 17 टर्म जो है
वो क्या है ना, ए टर्म का टू टाइम्स है और उससे क्या है, पांच ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, ए 17 इक्वल टू 5 प्लस 2 ऑफ ए 8, एंड 11 टर्म ऑफ एन आई पी इज 43। तो ए 11 जो होती है वो आपका हो गया 43, तो ए 11 इक्वल टू आपका 43। ठीक है, तो आप क्या करना है ना, इसको देखो अच्छी तरह से क्या करना है ना। द 17 टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 मोर देन टूअर्स 8 टर्म, इफ द 11 टर्म इज ए पी इज 43, फाइंड द एन टर्म। तो क्या ए और डी निकालना है, दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा, एक इक्वेशन इसमें हो गया और एक इक्वेशन दूसरे में, इसको सॉल्व करके दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको। ओके बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन से, ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 दे रखा है। 17 टर्म, 17 टर्म मतलब हो गया ए प्लस 16 डी ऑफ एन ए पी इज 5 मोर देन, 5 मतलब 5 को मैंने जोड़ा किसके साथ, ट्वाइस, इसका मतलब 2 टाइम्स है। इट्स 8 टर्म, 8 टर्म मतलब ए प्लस 7 डी, इसका मतलब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्या दे रखा है बेटा इक्वेशन, उसकी जो 17 टर्म है उसकी 8 टर्म के दो गुने से 5 ज्यादा है। द 17 टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, इसको आप सॉल्व करो। ये ज्यादा घुमा फिरा के आपको दे रखा है, ये पागल हो जाओगे, जरूर नहीं है कि सॉल्यूशन थोड़ा सा ऐसे है। तो आपका ऐसे कि आपका ए 2 इंटू ए 2a और 2 इंटू 7, सॉरी बेटा ये 14d, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ हो पड़ा है, ये 7 2 जब 14 है, ये आपका 14d हो गया, और 14d 14 में से जब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 2d हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी सॉरी इसमें 2d मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 7 14d, ये 14d जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस, 2a जब इधर जाएगा माइनस, तो बचा है ए में से 2a चला गया माइनस ए, 16 में से 14 माइनस करोगे 2d इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है ना, 11 दे रखा है 43, ए प्लस 10d हो गया 43। ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि ये माइनस दे रखा है प्लस दे रखा है, दोनों को ऐड करके आप ए और डी निकाल लोगे और जो पूछा है वो फाइंड आउट कर सकते हो। थर्टी नाइन, फाइंड द नंबर ऑल थ्री डिजिट नंबर और नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। थ्री डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन वो 100 जो होती है वो 100 से डिविजिबल नहीं होता है, वो सुन लो। तो ऐसे कौन सा नंबर जो 100 से डिविजिबल होता है, तो इसका तरीका क्या था, 999 तो डिविजिबल हो जाएगा, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम टर्म लास्ट टर्म 999 ठीक है, लेकिन फर्स्ट का जो टर्म होगा वो 100 से डिविजिबल नहीं होता है। तो 9 का जो टेबल लोगे को, अगर कैसे हमें पता करना है कि कौन सा पहला टर्म होगा, तो 9 से डिविजिबल करोगे, 9 1 9 11 हो जाएगा, 11 9 कितना हो गया 99 हो गया, लेकिन 99 जो हो जाएगा डिवाइड करना आपको, बचेगा कितना एक है, तो जो बचेगा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर 100 में से मैं 1 माइनस करूंगा 1 होगा, आप इसकी नेक्स्ट वाले नंबर से 9 को गुना कर देना, 11 के बाद कितना आता है बेटा 12, तो 12 × 9 × हो जाएगा 108, तो ये हो गया 108, लास्ट टर्म हो गया 999, और 9 9 का डिविजिबल है तो 9 से ऐड करते जाओ, तो आपको ए पता लग गया, डी पता लग गया, एल पता लग गया, तो आपको एन निकालना है, क्या निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो आपको एन निकालना है। ठीक है, वो आपको ध्यान देना। 38 39 में आ जाओ, एक इक्वेशन इधर दे रखा है, 19 टर्म जो है, द 19 टर्म इक्वल टू 3 टाइम द 6 टर्म, तो क्या गिवन दे रखा है, ए ये वाला दे रखा है, ए ये वाला, ये इक्वेशन दे रखा है, ए 19 इज 3 × a ऑफ 6, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना दो। 9 टर्म दे रखा है ये, तो दूसरा इक्वेशन आपको ये वाला, 9 टर्म इज 19, तो 9 टर्म, 9 टर्म होता है, ओके ये आपका हो गया, देखो 9 टर्म, 19 टर्म दे रखा है आपका, 3 × 6 टर्म ये आपका आ गया, और दूसरा दे रखा है ये 9 टर्म दे रखा है 19, वो सेकंड इक्वेशन होना चाहिए, चलो पहला दे दिया कोई बात नहीं, ये वाला सेकंड वाले को पहले में दे दिया और फर्स्ट वाले को सेकंड में दे दिया, दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करो, एक इक्वेशन ये वाला निकल गया, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको इसको पुट करना पड़ेगा, ए 19 का ए प्लस 18d, ए 6 का ए प्लस 5d, फिर सॉल्व करके दो इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
नाइन टर्म निकालना है एपी का, सिक्स टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो ए सॉरी द द नाइन टर्म ऑफ एन एपी, तो मतलब ए नाइन जो है सिक्स टर्म ऑफ सेकेंड टर्म, ये इक्वेशन एक हो गया, और ए फाइव दे रखा है, ए प्लस फोर डी 22 है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, लेकिन इसकी ए नाइन की जगह पर ए प्लस एट डी लगाओ, ए टू की जगह पर ए प्लस डी लगाओ, दोनों को एक तरफ ले जाओ, दोनों इक्वेशन होगा, दोनों को सॉल्व करो। 41 ये बिल्कुल सेम है, कोई इसमें अच्छा इसे प्रूव करना है, द 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट टर्म, थोड़ी सी इसमें ये है, तो देखो इसको ये दे दिया आपको, तो सॉल्व करके ए बराबर में 5d, ठीक है, फिर जो देगा प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए 72 दे रखा है, तो ए प्लस 71d हो जाएगा, तो 4 इंटू ए प्लस 14d हो जाएगा, ए की जगह पर 5d लगा दो, ए की जगह पर 5d लगा, तो जो बेटा सॉल्व आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका दोनों इक्वल हो गया, तो आपका प्रूव हो गया, ठीक है। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है ना दोनों में डिविजिबल होना है 2 और 5, ठीक है, वो देखो किससे डिविजिबल होना है 2 और 5, तो 2 और 5 का मतलब होती है 2 और 5, और 5 नहीं दे रखा है एंड, इसका मतलब ये 10 मिनिमम आपको क्या होना चाहिए 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 10 से कौन सी नंबर डिविजिबल होगा जिसकी लास्ट में 0 हो, तो 101 में क्या लास्ट में 0 है, बिल्कुल नहीं, तो पहला कौन सा नंबर है जो 2 और 5 मतलब 10 से डिविजिबल है, वो आपका हो गया 110 120 ऐसे, और लास्ट नंबर बताओ क्या 999 10 से डिविजिबल है, नहीं, वो आपका हो गया 990। इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या हो गया ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया, एन चाहिए आपको, ये एल लिख सकते हो या उसको एन लिख सकते, ए एन लिख सकते हो, बार बार मैं बता दूं ए और ए एन और एल इक्वल है, तो ए एन हो गया आपका 990 दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, और आपको निकालना क्या है एन निकालना है। 43 में आ जाओ, इफ द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इतने नाइन टर्म, द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, ठीक है, एंड नाइन टर्म इज 1/7, तो क्या हुआ दो इक्वेशन दे दिया सेवन टर्म, तो आपको डिवाइड में देख के घबरा नहीं है, ए प्लस 6d क्या दे दिया, ए प्लस 7 टर्म दे रखा है, तो ए प्लस 6d कितना दे दिया बेटा ना, ये 1/9 दे दिया, चलो ए प्लस 6d जो दे दिया ये आपका 1/9 है, और ये इक्वेशन 1 है, 9 को इधर डिवाइड कर सकते हो, 9a+63d इक्वल टू ये, या तो छोड़ दो रहने दो, ए ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया, दूसरा दे रखा है 9 टर्म, तो 9 टर्म का मतलब हो गया ए प्लस 8d, ए कम लेते हैं ना बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 × d, तो ए प्लस 8d ले लेंगे, ए प्लस 8d कितना है ना 1/7 है, क्या होती है ना 1/7, तो दोनों को सॉल्व करना है, ए और डी दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, निकल जाएगा ए और डी दोनों हो जाएगा, फिर उसको 63 टर्म में आपको क्या करना 563 टर्म, तो फिर आपको निकल जाएगा जब ए और डी निकलेगा, ठीक है। द सम ऑफ 5 और 9 टर्म, ऐसे क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन हमने अभी करे थे, ए 5 के लिए ए प्लस 4d, ए प्लस 8d 30 हो गया, तो ये आपका इक्वेशन आ गया ए प्लस 5d इक्वल टू 15, क्यों ना इसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया। 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म, ठीक है, तो इसका मतलब है 25th टर्म ए 25 इक्वल टू क्या लिखोगे, ए 25 इक्वल टू क्या होगा ना 8 का 3 गुना है, A25 इक्वल टू 3 × A8, वो आप सॉल्व कर देना, ठीक है, उससे आपको सॉल्व हो जाएगा। फाइंड 45 देख लो बेटा, फाइंड वायर 0 इज ए टर्म, क्या 0 एक टर्म है इसमें, तो आपको A दे दिया आपको 40 दे दिया, D आपको दे दिया -3, और N दे दिया 0, तो आपको N निकालना है, तो N दे दिया 43/3, जो कि ये फ्रैक्शन में है, तो ये टर्म नहीं होगा, तो आप लिखोगे ये इसकी टर्म नहीं है। फाइंड द मिडिल टर्म, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं है बेटा वो मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मिडिल टर्म आपको निकालना है, तो मिडिल टर्म के लिए क्या करना है, ए दे दिया मेरा क्या है ना 230, तो मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं ना ए प्लस एल बाय 2, मिडिल टर्म यही होता है, तो इसके मिडिल टर्म क्या है देखो, पहला का जो हो गया 213 है, और लास्ट टर्म हो गया 37,
बाय टू कर दोगे ए प्लस एल बाय टू मिडिल टर्म के लिए, तो आपका आता है 125। तो इसकी जो मिडिल टर्म है वो आपका आ जाएगा 125। उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस एल बाय टू, ए प्लस एल बाय टू। जैसे आप पढ़े थे सेवन चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे, मिड पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, उसी प्रकार की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाय टू कर दोगे, मिडिल टर्म आपको निकल जाएगा। ठीक है, या ऐसे और चीज भी हमें देख सकते हैं। सेकंड में थोड़ा अगर आपको करना हो, थोड़ा लेंदी है लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको तसल्ली के लिए नहीं सर जी ये समझ में नहीं आ रहा है हमें तो दूसरी तरीके से बताओ, तो ए आप निकाल दिए कितना 113 हो जाएगा जो अब वो फर्स्ट टर्म है, और डी मेरा हो जाएगा 205 में से मैं 213 घटाऊंगा तो मेरा कितना हो जाएगा बेटा, वो मेरा हो जाएगा -8 हो जाएगा। और ए एन मेरा कितना है ना, ए एन मेरा हो जाएगा कितनी है ना, ये आपका 37 है। ऐसे तो आप फॉर्मूला वो कर सकते हो, नहीं दूसरे में मैं आपको बता दूं वो भी आपको समझना जरूरी है थोड़ा बहुत। एन आपका हो जाएगा 37, तो आप बड़े प्यार से एन निकाल सकते हो। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म निकालोगे कितना आएगा, मैंने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाओगे तो यह एन जो आएगा वो आपको आ जाएगा 23 है। कितना आ जाएगा बेटा ना, 23 है। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है 23 है, तो 23 अगर नंबर है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो तीन बच्चे बैठे हैं लाइन में, तो बताओ अगर मान लो तीन में तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, चलो मैं समझा देता हूँ, पांच बच्चे बैठे हैं, देखो पांच है तो मिडिल वाला क्या होगा ना, 3 होगा क्योंकि एन प्लस वन बाय टू, तो 23 टर्म है, तो मिडिल वाला कौन सा होगा ना, 12 टर्म होगा। तो आपको क्या करना है, ए 12 आपको निकाल लेना, ए 12, ए 12 निकालोगे तो 125 ही होगा। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ये कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो या तो ए प्लस एल बाय टू कर दोगे वो भी आप निकाल लोगे। ओके, 47 दे रखा है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 31 20, दोनों आपको दे रखा है क्वेश्चन, पहला फिफ्थ टर्म ये दे रखा है, दूसरी टर्म आपका कर ही रही हो शुरू से ऐसे क्वेश्चन, दोनों को आप सॉल्व करना तो आपका आ जाएगा। तो बेटा देखो 9.3, बहुत देर से मैं इसको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सिर्फ इसमें टिपेंगे नहीं बल्कि उसको समझेंगे करेंगे। जो नहीं आएगा या कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप शेयर कमेंट और लाइक ज़रूर करना बेटा। मुझे पैसे मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, पिछले साल जो भी मैंने वीडियो डाला उसमें सारे आवर्स चला गया, क्योंकि एक साल के बाद फिर हट जाता है। तो मेरा मकसद नहीं है कि मैं यूट्यूब से कमाऊँ, मेरा मकसद है कि जो बच्चे आरडी सर, जिन बच्चों के पास आरडी शर्मा नहीं है या कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो थोड़ा बहुत हेल्प मिले, बस वही मकसद है। तो इसलिए आप शेयर कीजिए, जो कम से कम जो बच्चे के पास नहीं है आरडी शर्मा वगैरह खरीद नहीं पा रहे हैं या लॉकडाउन के चलते स्कूल खुला नहीं है वो कम से कम पढ़ सके। बाय बेटा, टेक केयर बेटा, ये वीडियो नंबर 2 है। कौन सा वीडियो नंबर 2 है, और एपी का जो और वीडियो है मैं लिंक में भेज दूंगा वो आप देख लेना। ओके बेटा, और क्या है ना, राधा रानी फ्री एजुकेशन मैंने आपको बताया था, राधा रानी फ्री एजुकेशन में आप देख लेना, उसमें आपको मिलेगा। ओके बेटा, बाय बेटा, टेक केयर बेटा।